Hello and good morning to all of you, all of the students. How are you? Well, we hope that you are so much fine and you are studying properly with your study material and you are regularly teaching with these videos. You are understanding these videos, you are following these videos, the previous videos. So today in this video session, that is the lecture number 5. Today we are taking the lecture number 5. Well, so in the previous video, lecture number 4, science, chapter number 6, life process, इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने किया था, last process में हमने किया था, respiration के बारे में. Respiration के बाद हमने समझा था कि ADP क्या होता है, ATP क्या होता है, phosphate क्या होता है, ठीक है? रेस्पिरेशन ग्लूकोज को एनर्जी में बदलना, द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, ठीक है. उसके बाद हमने पाइरुवेट वर्ड के बारे में समझा था. ये पाइरुवेट वर्ड आएगा, अब हम आगे जाकर हम सिर्फ रटें कि भाई पाइरुवेट क्या होता है. बस तो पाइरुवेट जो है उस वर्ड के बारे में आएगा, यानी ग्लूकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो अपना कन्वर्जन हो रहा है वो पाइरुविक एसिड हो रहा है, और दिस पाइरुविक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड द पाइरुविक. ओके, अब हम जो नए सेशन में, यानी कि इस सेशन में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में, रेस्पिरेशन के अंदर ही आते हैं. देयर इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन, एंड दिस वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हम इस टॉपिक को समझते हैं और इस टॉपिक को जो है एज ए डेफिनेशन लेकर समझते हैं और इसके डिफरेंसेस भी साथ में कर लेते हैं. इसका डेफिनेशन सबसे पहले तो जो है एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है ना. इट इज अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज अंडरलाइन दिस, अंडर presence of oxygen, simply this is called the aerobic. Aerobic, that it means presence of oxygen. और अगर oxygen नहीं है, absent है, under absent of oxygen, then this type of the respiration is called anaerobic respiration. यानी oxygen की presence में glucose को energy में convert करना, और यहाँ पर है oxygen की absent में ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना. तो देयर इज अ मेनली टू टाइप ऑफ द रेस्पिरेशंस, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इन दिस डेफिनेशन वी टॉक अबाउट द, इन दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, देन इट इज द कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन. इफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो एबसेंट होती है, अगर मतलब एबसेंट ऑक्सीजन की एबसेंट में क्रिएट होती है, ऑक्सीजन के एबसेंट में वो प्रोसेस हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन. चलो अब हम इसकी और बातें भी करते हैं. प्रेजेंस, ये टॉपिक का मतलब क्या है, ये टॉपिक का मतलब है केवल इस डेफिनेशन के, टॉपिक के नाम से हमें ये पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाए. मतलब ये लर्न करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इस पूरे को लर्न के बजाय ये पता लगा लें कि टॉपिक क्या क्या थे. हमें ये पता लग जाएगा कि अगर कल को एग्जाम में आए कि भाई ये डेफिनेशन करना है तो टोटल कितनी डिफरेंस करना है, तो टोटल कितने डिफरेंसेस हैं, 4 है, हमें 4 लिखने हैं. कौन कौन से लिखने हैं, उसका टॉपिक क्या था, पहले डेफिनेशन, हाँ चलो डेफिनेशन के बारे में सारा लिख दिया. अगला टॉपिक था प्रेजेंस, हाँ प्रेजेंस था, उसके बाद इस पूरे उसके बारे में रिमाइंड हो गया प्रेजेंस के अंदर क्या क्या था, ठीक है. तो ये छोटा सा टॉपिक है जिसके थ्रू हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि क्या हमने आगे जाकर लिखने वाले हैं, ठीक है. तो दैट इज द सिंपल वे, ये तरीका है. डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाते हैं. इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी तरीका अपनाओ, आना चाहिए ये जो है डिफरेंस आना चाहिए. ओके, सो प्रेजेंस, प्रेजेंस किसका है, अब इट कैन बी फाउंड, ये जो फाउंड होता है यानी प्रेजेंस इसका रेस्पिरेशन का. तो रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, ऑक्सीजन की भरमार होती है ना, वहीं से वो एनर्जी देती है, ठीक है ना सेल्स। तो इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हियर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। आफ्टर ब्रेक डाउन ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। ये जो CO2, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ब्रेक डाउन होता है CO2 और H2O में। यहाँ पर जो एनारोबिक में है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होएगा वो होएगा एथेनॉल में या फिर एथेराइल एल्कोहल, यानी कि एथेनॉल में होगा, CO2 में होगा और एनर्जी में। फिर वी कम इट में एनर्जी, ओके। सो नाउ व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द एनर्जी? एरोबिक रेस्पिरेशन में एक बिग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अ बिग अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन ऑफ एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो सिंपल एक क्या होता है, ये एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का है, और इसमें जो हमारा डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंस मैंने आपको एज ए टेबुलर फॉर्म के अंदर ला कर रख दिया है, और इसको हम एज ए डेफिनेशन भी बनाएंगे। सो प्लीज़ फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, वेरी गुड। नाउ इन दिस सेशन अब हम अगला टॉपिक करेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, व्हाट इज द पाथवेज, क्या पाथवेज है, क्या रास्ते हैं अलग अलग, किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो उसका एक सिंपल फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उस डायग्राम को देखते हुए और उतारते हुए हम उसको समझेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम वो बात करते हैं, ओके। So students, here in this respiration topic, we are taking the life process chapter number 6 in this respiration topic. इससे पहले जो हमने aerobic respiration और anaerobic respiration के बारे में पढ़ा, उसकी differences देखी, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि respiration में क्या होता है, किसका कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन होता है रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, ओके। अब ये जो ग्लूकोज के एनर्जी में कन्वर्जन होगा ये किस तरीके से होता है, उसका सिस्टम क्या है, वो चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड ह्यूमन बींग के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने डेफिनेशन करी है ADP, यानी किस फॉर्म में एनर्जी बनती है वो हमने पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में डिफरेंस देखा है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी पाथवेज टू कन्वर्ट द ग्लूकोज टू द एनर्जी, ओके। नाउ कम टू द स्टार्ट, सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज होता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं C6H12O6, ठीक है ना। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में इन आवर बॉडी, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, इसमें पाइरूवेट में चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, पाइरूवेट में चेंज होता है। पाइरूवेट क्या होता है, एक पाइरूवेटिक एसिड होता है जिसमें ग्लूकोलिसिस प्रोसेस के दौरान जो होता है वो पाइरूविक एसिड बनता है, यानी पाइरूवेट होता है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म के केस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो पाइरूवेट बनाता है, यानी कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कम टू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, और पाइरूवेट क्या करता है, कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर ध्यान दे रही है, यानी कि हमने ये बताया था आपको कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पाइरूवेट में आ रहा है। अब यहाँ पर जो है देयर आर टोटल 3 पाथवेज, यहाँ पर कितने पाथवेज बन रहे हैं, 3, यानी 3 तरीके से इस एनर्जी को या जो इस पाइरूवेट में जो है एनर्जी उसको हम यूज कर सकते हैं,
तीन तरीके से यूज होता है, तीन तरीके से प्रोसेस होता है। जिसको जितनी नीड होती है वो उस प्रोसेस को वर्क करता है, इसको नीड है वो इस प्रोसेस से वर्क करेगा, यहाँ पर नीड है तो वो इस प्रोसेस से वर्क होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस सबसे पहले हम फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उस केस में जब यीस्ट, जो यीस्ट होते हैं उनको एनर्जी अगर चाहिए होती है तो वो जैसे इसको नीड होती है, नीड पर डिपेंड है, जैसे इसको नीड होती है एनर्जी की, तो ये इस प्रोसेस के थ्रू पाइरूवेट से वो जो है कार्बन मॉलिक्यूल्स लेते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पर जो है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की एब्सेंट पर वर्क करते हैं, दे दीज यीस्ट आर प्रेजेंट इन द एब्सेंट ऑफ द ऑक्सीजन, और ये जो है एथनॉल बनाते हैं, एथनॉल बनाया, CO2 बनाया प्लस एनर्जी मिली और उस एनर्जी को इन्होंने यूज किया, यीस्ट ने उस एनर्जी को यूज किया ऑक्सीजन की एब्सेंट में, पाइरूवेट से एनर्जी बनी और फिर उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसमें एथनॉल बनाता है, एथनॉल जो होता है बेस होता है, एथनॉल और CO2 भी साथ में बनता है और जो एनर्जी बनती है वो यीस्ट यूज करती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब एक बार जो है यहाँ पर आ जाते हैं नीचे थर्ड नंबर को देखने पर, थर्ड नंबर में यहाँ पर है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड नंबर में है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इस पूरी साइकिल को कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द पाइरूवेट थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट क्रेब्स। ठीक है, ये पूरा क्रेब्स साइकिल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जब ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो फिर ये CO2 भी बनाता है, वाटर भी बनाता है और एनर्जी भी बनाता है। भाई एनर्जी के लिए ही तो ये हो रहा है सारा कुछ, तो एनर्जी तो बनाएगा ही बनाएगा, एनर्जी नहीं बनाएगा तो इसका मतलब ही क्या रहेगा इस प्रोसेस का। ठीक है ना, तो वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है, जब उसको एनर्जी चाहिए होती है तो वो पाइरूवेट से जो है वो मटेरियल लेकर सब्सटेंस लेकर और फिर उसको कन्वर्ट करता है पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट कन्वर्जन ऑल्सो, ये क्या क्या निकालता है कि CO2, वाटर और एनर्जी भी निकालता है। अब जो सेकंड होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है यानी कम ऑक्सीजन का यूज होता है यहाँ पर, तो उस केस में ये हमारे मसल सेल्स जो है उस केस में उसके अंदर प्रोसेस करते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं, पैर दुखते हैं, हमारे अंदर जो पैर, जैसे पैर की जो मसल्स जो होती हैं वो दुख रही होती है, तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें लैक्टिक एसिड की कमी हो जाती है, तो ये इमीडिएटली इसको फील करता है कि भाई अब यहाँ लैक्टिक एसिड की कमी होगी, उसको एनर्जी चाहिए, तो वो इमीडिएटली ये प्रोसेस स्टार्ट करता है इन द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, कमी यानी कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये मसल सेल्स के अंदर ही यूज होता है। तो ये पाइरूवेट से जो है वो मॉलिक्यूल्स लेके और वो उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वो इसमें करेगा, एक तो लैक्टिक एसिड बनाएगा और प्लस एनर्जी बनाएगा, तो जैसे ही ये बनाएगा वैसे ही इसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इमीडिएटली जैसे जैसे फिर उसके बाद जो है मसल सेल्स इम्प्रूव होने लग जाएंगे, ओके, क्योंकि इनको एनर्जी मिल गई और लैक्टिक एसिड मिल गया। तो ये सिंपली जो होता है ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तीन तरीके से होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया दैट कॉल्ड द क्रेब्स साइकिल, इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन इट इज इन वाटर, यीस्ट, इट इज इन यीस्ट एंड दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इन दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हाट विल प्रोडक्ट विल कम, व्हाट प्रोडक्ट विल कम, द एथनॉल, CO2 एंड एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस के दौरान क्या हो जाता है, CO2, वाटर और एनर्जी आता है, यानी CO2, वाटर और एनर्जी आता है। और जब कमी होती है ऑक्सीजन की, मसल सेल्स उसका यूज करते हैं, उसके दौरान क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है ना, तो ये तीन पाथवेज हैं सिंपली हाउ टू दैट पर्टिकुलर ग्लूकोज इज कन्वर्जन टू द एनर्जी। ओके,
सो प्लीज रेफर दिस पाथवेज, इसको ध्यान में रखिएगा, उतारिएगा, ठीक है ना। और फर्दर अब हम आगे जो टॉपिक करते हैं वो हम रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक करते हैं छोटा सा, ठीक है। तो आप इस चीज को कॉपी करिएगा, ओके।